भारत और पाकिस्तान के बीच रिजर्व डे में मुकाबला कितने बजे शुरू होगा, कितने ओवर का खेला जाएगा मुकाबला, और अगर बारिश आती है तब कितना ओवर कट सकता है, और मुकाबला हो भी पाएगा या नहीं। दिखाएंगे इस मुकाबले की एक एक लाइव अपडेट की पूरी वीडियो, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच सभी देखना चाहते हैं, पूरी दुनिया इस मुकाबले का इंतजार करती है। काफी ज्यादा इंतजार करने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 2 सितंबर को मुकाबला खेला गया, लेकिन उस मुकाबले में भी बारिश ने दस्तक दे दी थी। उसके बाद मुकाबले को रद्द ही करना पड़ा था। एक बार फिर से मुकाबला शुरू हुआ। 10 सितंबर के दिन भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जा रहा था। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, और उनके फैसले की धज्जियां उड़ाते हुए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और गिल ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए हाफ सेंचुरी जड़ी, और दोनों ही बल्लेबाज आउट हो गए तब विराट कोहली और केएल राहुल ने बेहतरीन अंदाज में मोर्चा संभाला। जब ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे कर भारतीय पारी को काफी ज्यादा आगे बढ़ाने वाले हैं, तभी बारिश ने एक बार फिर से मुकाबले में खलल डाल दी और मुकाबले को रोक दिया गया। दोस्तों, उस वक्त तक 24.1 ओवर का खेल हुआ था। इसके बाद दोबारा खेल हो ही नहीं पाया क्योंकि बारिश ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। मुकाबले को कॉल्ड अप करना पड़ा और दोबारा से मुकाबला रिजर्व डे में खेला जाएगा, इसका फैसला लिया गया। दोस्तों, रिजर्व डे में मुकाबला 11 सितंबर को खेला जाएगा, और मुकाबला वहीं से शुरू होगा जहां से मुकाबला खत्म हुआ था। ये मुकाबला भी भारतीय समयानुसार 2:03 से ही खेला जाएगा। हालांकि सबसे बड़ी चिंताजनक की बात यह है कि इस मुकाबले में भी बारिश दस्तक दे सकती है। जी हाँ, मौसम विभाग की माने तो 11 सितंबर को भी कोलंबो में बरसात होनी है। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले में एक बार फिर से बारिश हमें देखने को मिलने वाली है। अगर इस मुकाबले में बारिश आती है और रुकती है तो ओवर में अगर कटौती होगी तो आखिर तक जाते जाते हमें 20-20 ओवर का मुकाबला देखने को मिल सकता है, और अगर मुकाबला 20-20 ओवर का भी नहीं होता है तब मुकाबले को रद्द करने का फैसला लिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर बारिश नहीं आती है और रिजर्व डे में मुकाबला खेला जाता है तब कौन सी टीम जीत हासिल करेगी, भारत या फिर पाकिस्तान? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।